सो हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेगुलर हेक्सागोन के बारे में। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं सीजीएल या फिर सीजीएस के एग्जाम में। तो इसी एक वीडियो में हम सब कुछ रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है सारा कुछ एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके वर्टेक्स का नाम मैं दे दे रहा हूँ अभी। और अगर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर का, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि इसके सारे साइड्स बराबर होंगे। ठीक है, सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सब साइड्स की लेंथ जो है उसको मैं ए मान लेता हूँ। देखने में ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, बट ये ऐसा सपोज करते हैं कि ये सारे जो साइड्स है इसके वो बराबर हैं। ठीक है, तो ऑल साइड्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल साइड्स बराबर हो जाएंगे 6। ठीक है, पेरीमीटर जिसको हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं, पेरीमीटर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज होगी क्या, तो एक बाउंड्रीज की लेंथ है ए, तो 6 बाउंड्रीज की लेंथ होगी 6 से है। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गई। अब आते हैं इसके एरिया पे, जिसको ए से डिनोट कर रहा हूं मैं। एरिया होगी, कोई भी हेक्सागोन होता है जो रेगुलर हेक्सागोन, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a² तो ये 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ईच एक्सटेरियर एंगल की। ठीक है, ईच एक्सटेरियर एंगल, तो हम जानते हैं कि ईच एक्सटेरियर एंगल होता क्या है, तो 360 360 बटे अगर हम एन कर देते हैं, तो किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 360 बटे में अगर हम 6 करेंगे, ठीक है, 360 बटे में अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हेक्सागोन के 60 डिग्री के बराबर होता है। अब बात करते हैं ईच इंटीरियर एंगल के। ठीक है, इच एंटेरियर एंगल के, तो हम जानते हैं कि एंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता क्या है, सम कितना होता है, n-2 × 180। ठीक है, और अगर हम एक एंगल की बात करें कि एक एंगल कितने का होगा, तो उसको n से डिवाइड करना होगा, तो n-2, यहाँ पे n साइड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो n-2 कितना होगा, टोटल साइड है 6, तो 6-2 हो जाएगा 4 × 180/6, तो 6 को इससे काटेंगे, तो ये जाएगा 30 बार में, तो निकल करके आ जाएगा इच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर। या फिर हम यहां से कि अगर ये 100 सॉरी ये 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगी 180-60, तो 180-60 जब करेंगे तो इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा जो कि 120 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, एक मिनट, आर आर अब बात कर लेते हैं सर्कम रेडियस की। ठीक है, सर्कम रेडियस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है हेक्सागोन के अंदर, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये सारे जो होंगे वो, ठीक है, सेंटर को हम मान लें, सारे ए ए के बराबर होंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली जो होता क्या है कि सर्कम रेडियस जो होगा वो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी देखेंगे तो हर जगह ए ए ही आएगा, तो आर इसका हो जाएगा, यानी कि सर्कम रेडियस ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन रेडियस की। ठीक है, इन रेडियस जिसको स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं, तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस होता है सेंटर से, इन रेडियस यानी कि इन सेंटर से साइड की दूरी। तो साइड की दूरी निकलेगी कैसे, साइड की दूरी निकलेगी कैसे, ये जो हो जाएगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। क्या
क्योंकि साइड से मिनिमम दूरी तो ही निकालेंगे ना हम, तो मिनिमम दूरी ही हाइट होती है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल की हाइट होती कितनी है? एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब हाइट होती कितनी है इक्विलेटरल ट्रेंगल की? तो √3/√3/2a। तो इन रेडियस निकल करके कितनी आ जाएगी? √3/2a। और इन रेडियस हम जानते हैं कि इन रेडियस कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्ट होने से बनता है। और इन रेडियस से जहां इन रेडियस एक दूसरे को कट करते हैं वो उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर की दूरी हमेशा साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो √3/2a यहां पर हम निकल करके आ जाएगा इन रेडियस, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनल्स की, ठीक है। डायगोनल्स की, तो किसी भी चीज की डायगोनल होती क्या है? एन इंटू एन माइनस 3/2। ये मैं आगे बता दूंगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे एन साइड को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर हम एन की जगह 6 रखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है, और 6 - 3 = 3/2, ठीक है। तो 2 से 3 बार में जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल होगा इसमें 9 गो। बट डायगोनल्स जो होते हैं किसमें, इसमें हेक्सागोन में, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि जो लंबा वाला डायगोनल, जैसे जैसे EB BE हो जाएगा, या फिर AD हो जाएगा, या फिर FC हो जाएगा। ये लंबे डायगोनल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं कि इसका लेंथ कितना है, 2A के बराबर है, ठीक है। 2A के बराबर है D1, इसको मैं लिखते रहा हूं D1। और जो सेकेंड टाइप का डायगोनल्स है, सेकेंड टाइप का जो डायगोनल्स है वो इससे बनेंगे। जैसे हम AOCB की बात करें तो A और C को मिलाने वाला, A वर्टेक्स A और C को मिलाने वाला लाइन भी इसका डायगोनल ही होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं कि यहां से हम एक रोम्बस निकाल लेते हैं, क्योंकि सारा साइड AA है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोम्बस ही होगा, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी तो यही होती है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर हम यहां से ओ सी बी और ए निकाल लिए, ठीक है, ये ए ए ए ए ए, तो ये वाला हम जानते हैं, अभी निकाले थे कि ये कितना होता है, √3/ यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। वो कितना होता है? √3/2a, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका डबल निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है। तो ये कैसे आएगा? √3/2a का 2 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास जो D2 आएगा, मतलब कि सेकेंड टाइप का डायगोनल, वो आएगा √3a के बराबर में, ठीक है। तो बस यही समझना था इसमें कि हेक्सागोन में 2 टाइप्स के डायगोनल्स होते हैं, एक लंबे वाले जो दूर दूर वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं, और एक छोटे वाले जो रोम्बस के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हेक्सागोन। अब मैं इस पे थोड़ा सा बात कर लूं, फिर रहने देते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।